हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखिए आज की रेसिपी क्या तैयारी कर रही हूँ। पालक पनीर की रेसिपी है। तो पहले मैं पालक को अच्छे से साफ सुथरा करके उसको धो के रख ली थी। अब इधर मैं कढ़ाई रखी हूँ, कढ़ाई में पानी डाल के उसको बॉयल करूँगी। इसमें पालक को मुझे बॉयल करना है, मतलब तो इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दी हूँ, क्योंकि नमक डालने से जो ग्रीन वेजिटेबल होता है उसका कलर नहीं जाता है। तो उसमें नमक और चीनी थोड़ा सा डाली थी ताकि कलर इसका बना रहे हरा। तो इसमें मैंने अपना जो पालक लिया था उस पालक को मैं इसी में डाल दूंगी। इसको खुले में ही मैं 2-3 उबाल लगा दूंगी। ज़्यादा नहीं बॉयल करना है, नहीं तो ज़्यादा बॉयल करने से कलर ख़त्म हो जाता है ग्रीन सब्जियों का। तो इसको मैं हल्का सा बॉयल कर ली रही हूँ साथ में, उसके साथ चीनी और नमक के साथ। ऐसे बॉयल करने से इसका कलर बढ़िया रहता है। और इधर मसाला दिखा रही हूँ। मसाला में लहसुन ली हूँ, 2 टमाटर और प्याज, 2 इंच अदरक है और 4 हरी मिर्च ली हूँ। और इधर पनीर है। तो चलिए देखिए कैसे बनाती हूँ रेसिपी। तो इधर मेरा बॉयल हो रहा है, हो ही गया बॉयल। अब इसको अच्छे से पानी से निकाल के छान लेंगे। तो देखिए एकदम हरा हरा है। अब इसके ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी डाल के इसको अच्छे से पानी में डाल के ठंडा कर लेंगे, नहीं तो कलर चला जाएगा। तो फिर इसको मैं अब मसाला अपना पेस्ट बना ली हूँ। अब इधर चल रही हूँ कढ़ाई में तेल डालने। गर्म हो गई कढ़ाई, इसमें तेल डाल दी। अब तेल के अंदर थोड़ा सा मैं बटर डाल रही हूँ। बटर डाल के बनाने से पनीर की सब्जी अच्छा आता है फ्लेवर। तो मैं इसमें थोड़ा जीरा डाली, थोड़ा सा हींग भी डालूँगी। और बटर को मैं अच्छा से मेल्ट होने दे रही हूँ, ताकि थोड़ा तेल डाल के बटर डालने से जलता नहीं है बटर, तो इसलिए तेल या रिफाइंड जिसमें बनाना हो उसमें थोड़ा सा डाल के तब बनाएं। और इधर मसाला मेरा जो था पेस्ट, अभी वो डाल दे रही हूँ इसमें बटर और तेल में। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे, जब तक चारों साइड से तेल ना निकलने लगे मसाला में से, तब तक इसको भूनेंगे। अब हमारा तेल छोड़ दिया था कढ़ाई, तो इसमें अब हम डाल दिए टमाटर का पेस्ट। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करके इसको पकाएंगे ढक करके। और इसमें थोड़ा मसाला डालेंगे, मसाला में यानी कि धनिया पाउडर थोड़ा डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है, और थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे। डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी। ज़्यादा मसाला तो जाता नहीं है पालक पनीर में, थोड़ा मसाला में ही खिल के बनता है और अच्छा भी बनता है। अब देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया, भून गया है, तेल छोड़ दिया है कढ़ाई। अब इसमें हम थोड़ा डालेंगे, 1 चम्मच ये डाल रही हूँ, 1 चम्मच नहीं 2 चम्मच था। तो इसमें मैं दही डाल रही हूँ। दही को भी डाल के अच्छे से इसको घुमाते हुए दही को चला लेंगे, नहीं तो फटने का डर होता है। तो इसको दही भुन गया, तब ये मलाई है दूध की, ताजी मलाई है घर के दूध की। तो 2 चम्मच ये भी मैं डाल दे रही हूँ, 2 चम्मच दही ली थी और 2 चम्मच मलाई। तो इसको डाल के अच्छे से मिक्स करके अब भून लेंगे। और इसमें अब थोड़ा सा मैं चीनी डाल रही हूँ और मसाले में, और थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी ताकि अच्छा फ्लेवर आए नमक और चीनी के साथ मसाले का। तो मसाले में क्या, थोड़ा सा चीनी डालने से मसाले का बैलेंस बना रहता है और सब्जी भी अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा आता है। तब इसको मैं अच्छे से अब भून लूँगी मसालों के साथ। सारा अच्छा मसाला हो गया मेरा रेडी। देखिए कढ़ाई छोड़ दे रहा है। अब इसमें मैं अपना जो पालक का पेस्ट बना के प्यूरी रखी थी, अब इसको डालूंगी। अब इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि अच्छा सा मिक्स हो जाए इसके मसालों के साथ। पालक भी देखिए कितना हरा हरा दिख रहा है, कैमरे में भी हरा ही आ रहा है। तो कलर ऐसे आता है तो पालक पनीर का टेस्ट अच्छा लगता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, जो अपना बॉयल करके पालक रखी थी उसी पानी को मैं इसमें डाली हूँ, इसीलिए हरा दिख रहा है। और पानी में ज़्यादा आयरन होता है, उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए। उससे आटा भी गूंथ सकते हैं रोटी लगाने के लिए या पूड़ी पराठा जो भी बनाना हो, तो आटा को मैं मतलब पानी को यूज कर लेना चाहिए। अब मेरा ये रेडी हो गया, अब इसको ढक के पका लेंगे बॉयल आने तक। अब देखिए इसमें बॉयल आ गया अच्छे से। अब इसमें मैं अपना पनीर डालूँगी और पक गया है अच्छे से। और रेसिपी कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताया करिए, कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए, सब्सक्राइब जरूर किए चैनल को, प्लीज़ सपोर्ट किया करिए आप लोग, रेसिपी अच्छी लगती है। तो अब मैं इसमें अपना पनीर भी डाल दी,
अब पनीर डाल के उसको अच्छे से घुमा फिरा के चला लेंगे। फिर थोड़ा देर के लिए ढक देते हैं ताकि पनीर के अंदर भी मसाला आ जाए, और इसको ढक लेते हैं। ढक के फिर आप सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए मेरा मस्त तैयार हो गया पनीर की सब्जी, मतलब पालक पनीर और बटर के साथ। तो पिज्जा निकाल के दिखाते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। इसको रोटी और चावल जिससे भी खाना हो, जीरा राइस से भी अच्छा लगता है रोटी के साथ। और इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इस पर पनीर भी मैं घिस कर डाल दे रही हूँ ताकि कलर और डिज़ाइन दोनों अच्छा आए। इसके बाद थोड़ा फ़ोटो वोटो ले लेते हैं उसके बाद फिर कैसा लगा रेसिपी ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय।